I want to introduce Dilip Ghosh, president of the BJP in West Bengal, is now with us. Dilip Ghosh, first of all, what do you have to say about the manner in which the violence happened and the allegations thereafter? Because the allegation is the state government or state apparatus in West Bengal wants us to believe that this is some conspiracy. Maybe you have done it yourself. देखिए ये कोई पहली बार हो रही ऐसा नहीं है. ऐसा जानलेवा हमला मेरे ऊपर लगभग 6 बार हुआ है. मेरे गाड़ी को 6 बार तोड़ा गया है. भगवान की कृपा थी कि मेरे ऊपर चोट उतना नहीं आया. कल हमारे 4 नेशनल लीडर को चोट लगा और ईटा अंदर जाके उनको चोट लगा, गाड़ी को ग्लास तोड़ करके. और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का गाड़ी में मैं भी था, वो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, नहीं तो उन पर जितना बड़ा ईटा मारा गया था गाड़ी में भी चोट आया, उनको बहुत चोट पहुंचाता था. तो ये जो वायलेंस है ये कोई अलग बात नहीं, ये यहाँ की सरकार की पॉलिसी बन चुकी है बीजेपी को रोकने के लिए. तो इसलिए निंदा करने का करने कोई बात नहीं, सरकार की पॉलिसी है, वो ऐसे ही करेंगे जब तक सत्ता में रहेंगे. और हमारे ये बताइए दिलीप घोष, हुई है गोइंग फॉरवर्ड, दिलीप घोष आगे चल के हमने 2019 में देखा किस तरीके से लड़ाई हुई, ममता बनर्जी ने आपके ऊपर इतने आरोप लगाए, ईश्वर चंद विद्यासागर का जो स्टैचू है वो तोड़ा गया, आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई, ये सब 2019 में हम लोग देख चुके हैं. वी हैव सीन ऑल ऑफ दिस इन 2019. व्हाट विल द सेंट्रल गवर्नमेंट डू टू इंश्योर दैट एटलीस्ट दिस डज नॉट हैपन अगेन? नहीं देखिए, हमारी जो लोकतंत्र में जो डेमोक्रेसी में जो व्यवस्था है उसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता है. आज यहाँ के चीफ सेक्रेटरी और डीजी को बुलाया था सेंट्रल गवर्नमेंट, होम सेंट्रल गवर्नमेंट आई मीन पोलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट द सिस्टम. वो तो मुझे भी मालूम है कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है. नहीं, हमारे 4 कार्यकर्ता जो कल मार खाए वो सेंट्रल लीडर हैं, उसमें सेंट्रल हमारे नेशनल प्रेसिडेंट भी हैं, अभी माननीय अमित शाह जी फिर आने वाले हैं और अलग अलग जगह में हमारे मदद करने के लिए इलेक्शन तैयारी ठीक ठाक हो रही है देखने के लिए अलग अलग ऑब्जर्वर भी आ रहे हैं. और इसी प्रकार से आगे बढ़कर आज हम 4% की पार्टी 40% में आए हैं. हमको विधानसभा में 10% वोट मिला था, लोकसभा में 40% से ऊपर मिला. और इस आरोप के बारे में आप क्या कहेंगे कि आप यू यूज कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस, आप इस्तेमाल करते हैं महामहिम जो गवर्नर हैं उनका दफ्तर और जो बाकी सब दफ्तर हैं केंद्र में, होम मिनिस्ट्री ने समन किया है चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को, राज्य सरकार का कहना है कि ऐसे कहाँ होता है फेडरल स्ट्रक्चर में. लेकिन ये भी कहाँ होता है कि कोई नेशनल पार्टी का छोड़ दिया है, किसी मीटिंग में जा रहे हैं आपको रास्ते रोक कर मारा जाए. 130 कार्यकर्ता का पॉलिटिकल मर्डर हुआ है, मेरे ऊपर 40 केसेस है, मैं एंटी सोशल हूँ, 28,000 केसेस चल रही है, एक दो नहीं है. ये इनकी पॉलिसी है केस और हिंसा के द्वारा बीजेपी को रोकने के लिए. ओके, माय फाइनल क्वेश्चन आ रही है, हम लोकतांत्रिक पद्धति से ही परिवर्तन करेंगे. ओके दिलीप घोष, माय फाइनल क्वेश्चन. A lot is being said about you trying to impose president's rule in the state of West Bengal. You are saying aap loktantrik tarike se hi karenge, you'll use democratic ways to remove this government. The BJP chief JP Nadda also said that Mamata Banerjee will go lock, stock and barrel and the people will do this to her. I want to know from you, why do you feel that your party has the edge? Kyun lagta hai aapko ki aap jeetenge Bengal mein? हम इसीलिए चाह रहे हैं कि ये सरकार की जो जनविरोधी नीतियां हैं, यह डेमोक्रेसी का नामो निशान नहीं, लॉ एंड ऑर्डर का नामो निशान नहीं है. जिस प्रकार जाजिती हो रही, जिस प्रकार की भ्रष्टाचार हो रही, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं सरकार की जहां भ्रष्टाचार नहीं है. हिंसा चरम पर है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, समाज में कोई सुरक्षा नहीं लोगों की. तो इससे लोग हुए हैं, लोग परिवर्तन करेंगे, जैसे लोग उनको लाए थे इसी प्रकार विसर्जन करेंगे.